नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी लंबे समय बाद कमबैक करने जा रही हैं। वे राजकुमार राव के साथ फिल्म शिमला मिर्ची में नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इस ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। राजकुमार के अलावा फिल्म में रकुल प्रीत कौर भी मेन लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि राजकुमार राव हकलाने की समस्या से गुजर रहे हैं और वे काफी कोशिशों के बाद भी अपने प्यार को दिल की बात नहीं कह पाते। वे चिट्ठी के सहारे अपनी बात अपने प्यार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते कंफ्यूजन हो जाता है और उनके प्यार की मां यानी हेमा मालिनी को राजकुमार से प्यार हो जाता है। राजकुमार राव इस अजीबोगरीब स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं, यही फिल्म की कहानी है। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म पर काम साल 2014 में शुरू हुआ था और 5 साल बाद ये फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए राजकुमार ने साल 2014 में कहा था कि फिल्म के मेकर्स ने उन्हें इस फिल्म के लिए वजन बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, इस फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शिमला में शूट हुआ है और इस फिल्म के लिए मुझे काफी वेट बढ़ाने को कहा गया था। ये मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि मैंने फिल्म सिटी लाइट के लिए 7 किलो वजन कम किया है। मेरे एक पर्सनल ट्रेनर हैं जो मुझे इस काम में मदद कर सकते हैं। गौरतलब है कि राजकुमार राव पिछले कुछ सालों में टॉप सितारे बनकर उभरे हैं और इस फिल्म में रकुल प्रीत, राजकुमार और हेमा की केमिस्ट्री फैंस के लिए काफी दिलचस्प हो सकती है।